इन दिनों सलमान और संजय दत्त के बीच कोल्ड वॉर की खबरें चल रही हैं और अब कहा जा रहा है कि सलमान और संजय के बीच झगड़े का कारण एक महिला है जो सलमान की मैनेजर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान संजय के बीच झगड़े का कारण रेशमा शेट्टी है जो सलमान खान की मैनेजर है। ऐसा कहा जा रहा है कि संजय जब दिसंबर 2014 में पैरोल पर बाहर आए थे तब सलमान ने संजय को सलाह दी थी कि वो रेशमा को अपना मैनेजर बना ले, रेशमा उनको मूवी दिलाने में मदद करेंगी। संजय ने सलमान की बात मान ली और रेशमा को अपॉइंट भी कर लिया, लेकिन कई महीनों बाद भी संजय दत्त को एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिला। जब संजय ने इस बारे में पूछा तो उनको पता चला कि रेशमा और उनकी टीम ने संजय की फीस बढ़ा दी थी। इसके बाद संजय ने रेशमा से इस मामले में बात की और जमकर नाराजगी भी जताई और उसके बाद रेशमा और संजय का प्रोफेशनल रिश्ता खत्म हो गया। सलमान को ये बात बहुत बुरी लगी कि संजय ने रेशमा शेट्टी को सम्मान नहीं दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि बाद में संजय ने सलमान से बात भी करनी चाहिए, लेकिन सलमान ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। खैर, अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।